रायबरेली में रेल कोच कारखाना के आवासीय परिसर में लगातार हो रही चोरियों व पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज निकलने से नाराज लोगों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेल कोच कारखाने का है, जहां बीते 18 अगस्त को एक साथ 15 घरों में बेखौफ चोरों ने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात व नकदी समेत लगभग 50 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया था। पुलिस अभी इस घटना की जांच ही कर रही थी कि बेखौफ चोरों ने 21 अगस्त को एक बार फिर से 10 घरों को निशाना बनाते हुए अलमारी व बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लगभग 40 लाख रुपए से अधिक के माल पर हाथ साफ कर दिया। लगातार हो रही चोरियों से आवासीय परिसर में रहने वाले कर्मचारी दहशत में हैं। उन्होंने पुलिस पर एप्लीकेशन देने के बाद भी मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। अगर जल्द ही चोरियों का खुलासा नहीं किया तो हम लोग अपना आवास छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में एज ए टेक्नीशियन जॉब करता हूं। और हमारे कारखाने में 18 तारीख की रात को बहुत बड़ा एक चोरी हुआ है, जिसमें समथिंग 15 क्वार्टर के आसपास चोरी हुआ है और उसमें कर्मचारियों का लगभग कैश ज्वेलरी लगभग मिला के समथिंग 50 लाख के आसपास चोरी हुआ है। 19 तारीख को हम लोग वापस आ गए अपने पैतृक गाँव से, तो वापस आने के बाद हम लोगों ने देखा कि सब गायब है। जस्ट 2 दिन बाद ही फिर दोबारा डकैती हुई है, उसमें कम से कम 8 से 10 क्वार्टरों में दोबारा हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमारी पर्सनल FIR भी अभी तक दर्ज नहीं हुई है। क्या नाम है आपकी? हमारी पहली मांग तो ये कि हमारी FIR पर्सनली सब लोगों का इंडिविजुअल दर्ज हो, किसी का भी दर्ज नहीं हुआ है। क्या हुआ फिर आगे, क्या एक्शन लेंगे आगे की? अभी लालगंज पुलिस से अभी बताया जा रहा है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई सूचना नहीं है। आगे क्या करेंगे? देखिए अगर इसी तरह रहा तो हमारे घर में लगातार घुस के अगर 10-10, 15-15 क्वार्टरों में अगर चोरी हो जाती है तो हमारे बीवी बच्चों को कभी भी डकैती में मारा जा सकता है, रेप किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हम लोग डरे हुए हैं और इस तरह अगर रहा तो हम अपने आवास भी छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विश्वजीत कुमार भारती है, क्वार्टर संख्या 2071B में रहता हूँ, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में तैनात हूँ टेक्नीशियन के। हमारी ये समस्या है कि हम लोगों के घरों में जो चोरियाँ हुई हैं, 15 घरों में लगभग चोरियाँ हुई हैं, ये 19 तारीख की डेट में हुई हैं और जो है कि 10 घरों में और चोरियाँ हुई हैं और ये 22 तारीख की डेट में हुई हैं। क्या लग रहा है एक हफ्ते में 2-2 चोरियाँ हो जा रही हैं, बड़ी चोरियाँ हो रही हैं, किसकी संलिप्तता है? अब ये तो बता नहीं सकते किसकी संलिप्तता है, अगर संलिप्तता होती तो अब तक पकड़े जाते। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हम लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई, जो चोरी हुई हम लोगों घर में, वो हम लोगों के जो है कि सामान जेवर जो भी रहा है उसको जो है कि वापस करवाया जाए और चोरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कितने का सामान गायब हुआ है सब मिला के? लगभग सबका मिला के तो कोई अभी 10 घरों का जो है कि आंकड़ा तो नहीं आ पाया है लगभग, लेकिन यहाँ पे लगभग 50 लाख के करीब की चोरियाँ हुई है, गहने और नकदी। खुलासा नहीं हो पाया अभी तक, नहीं हो पाया। स्थानीय पुलिस की क्या कितनी मदद मिल रही है? स्थानीय पुलिस लगातार ये कहती जा रही है कि हम चोरों से जो है कि पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक से क्या आश्वासन मिला? पुलिस अधीक्षक से यह आश्वासन मिला कि हम भी कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे जिले की पूरी टीम लगी हुई है, अब देखिए कब तक पकड़े जाते हैं।